जय भीम साथियों, तथागत महाकारुणी बुद्धा के महापरिनिर्वाण के काफी अर्सों बाद बहुजनों के जीवन में 14 अप्रैल 1891 के दिन सूर्योदय हुआ। मध्य प्रदेश के मऊ में भीमराव नाम के सूर्य का उदय हुआ और तथागत के बाद सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति का परचम लहराया। लेकिन 6 दिसंबर 1956 के दिन वो सूर्य डूब गया और बहुजनों के जीवन में फिर से अंधेरा छा गया। जिस तरह रात और दिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह क्रांति प्रतिक्रांति भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुजन समाज के अंधकारमय जीवन में रोशनी फैलाने के लिए दिनांक 15 मार्च 1934 के दिन पंजाब राज्य के खवासपुर गांव में फिर से बहुजनों के जीवन में नए सूर्य साहब कांसी राम जी का जन्म हुआ। सतलज नदी के किनारे दोआब क्षेत्र में कटली गांव के नजदीक पिता हरि सिंह जी की खेती बाड़ी थी और पास में लगे आम के बागों को ठेके पर लेते थे। विद्यालय की शिक्षा के दौरान साहब कांसी राम जी सुबह जल्दी उठकर तरबूज व आम बुग्गी छकड़े में भरकर पास की मंडी में बेचने जाते थे। साहब की शिक्षा 4th class तक मलकपुर के सरकारी स्कूल में, 5वीं से 8वीं तक की शिक्षा इस्लामिया स्कूल रोपड़ में हुई, 9वीं और 10वीं की शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल में तथा महाविद्यालय शिक्षा बीएवी गवर्नमेंट कॉलेज में हुई। उस समय रोपड़ क्षेत्र में चमार जाति में साहब कांसी राम पहले ऐसे छात्र थे जिन्होंने बीएससी तक की पढ़ाई पूरी की। 25 अगस्त 2003 को लखनऊ में अखिल भारतीय बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने पिताजी की महत्वाकांक्षा दर्शाने हेतु उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी को लोग ताने मारते थे कि बेटे को इतना पढ़ाकर क्या पटवारी बनाओगे, तब उनके पिताजी ने उत्तर देते हुए कहा था, पटवारी नहीं, मैं उसे कलेक्टर बनाऊंगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें देहरादून में नौकरी मिल गई और उनकी सगाई पंजाब राज्य के एक विधायक की बेटी से हो गई। बाद में देहरादून से नौकरी छोड़ दी और पूना में ईआरडीएल में सहायक अनुसंधान के पद पर नौकरी करने लगे। पूना में नौकरी लगना कांसीराम साहब के जीवन का अति महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था, क्यों कि पूना बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक व क्रांतिकारी भूमि है, जहां पर प्रसिद्ध भीमा कोरे गांव का संग्राम हुआ, जिसमें कहा जाता है कि 500 महारों ने 25,000 पेशवाओं को परास्त किया था, जिसके प्रमाण स्वरूप भीमा नदी तट पर अंग्रेजों द्वारा शहीदी मीनार महार बहुजनों के महान बलिदान के प्रतिरूप बनाई गई है। वहां बाबा साहब के तीसरे व सच्चे गुरु राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी का फुलेवाड़ा है, जो एक संग्रहालय के रूप में स्थापित है, जिन्होंने सामाजिक मूवमेंट चलाकर पेशवाओं की नसें ढीली कर दी थी। इसी पूना शहर में बाबा साहब ने मूवमेंट चलाई थी। अपनी सारी जिंदगी में कभी जेल न जाने वाले बाबा साहब पहली बार यरवड़ा जेल गए और वो भी गांधी जी की जान बचाने। इसी पूना शहर में साहब कांसीराम ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध बिगुल बजाकर फूले भी मूवमेंट की जड़ें जमाई थी। शुरुआती दिनों में कांसीराम जी को फूले भीम विचारों से या मूवमेंट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, न ही बहुजन समाज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी थी। लेकिन ये सारा वाक्या उस तरह हुआ कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म जयंती थी, तो उनके साथ
चौथे वर्ग में काम कर रहे उनके सहयोगी मान्यवर दीना बाना, जो राजस्थान के रहने वाले थे और स्वीपर के पद पर नियुक्त थे, उन्होंने बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी मांगी, जिसे मंजूर न करते हुए उसे रद्द कर दी गई। छुट्टी रद्द होते मान्यवर दीना बाना छुट्टी की जिद पर अड़ गए। विरोध बढ़ता देख उनके साथ काम कर रहे जोशी और उनके जैसे मनुवादी मानसिकता वाले लोगों ने उनको पीटने की योजना बनाई। इसकी जानकारी जब कांसीराम साहब को हुई तो अब तक चुपचाप पूरी घटना पर नजर रखे हुए कांसीराम साहब मैदान में आ गए और उन मनुवादियों को ललकारते हुए कहे, हट्टे कट्टे साहब जी ने पड़कार किया कि यदि कोई दीना बाना की तरफ उंगली भी उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ दूंगा। तो जोशी नामक मनुवादी ने कांसीराम साहब से पूछा कि ये तो चौथे दर्जे का कर्मचारी है और आप तो क्लास वन अधिकारी हैं, तो आप इसकी तरफदारी क्यों करते हैं? तब कांसीराम साहब ने जाति गर्व से कहा, मैं चमार जाति का हूं और ये भी चमार जाति का है, इसलिए ये मेरा भाई है। और किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। 14 अप्रैल की छुट्टी पूरे भारत भर में लागू करवा के रहूंगा। पर कांसीराम साहब के जीवन में वास्तविक परिवर्तन अब आने वाला था। ये जो पूरा बवाल हुआ उसकी जानकारी उनके विभाग में कार्य कर रहे मान्यवर डीके खापरले साहब को हुई तो तुरंत उन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब से संपर्क किया। मान्यवर डीके खापरले साहब फूले भी मूवमेंट से पूर्ण रूप से और भली भांति तौर से परिचित थे और उन्हें ऐसे ही मौके की तलाश थी। उन्होंने कांसीराम साहब को बाबा साहब लिखी एक किताब भेंट की। वास्तव में वो बाबा साहब का एक भाषण था जिस किताब का नाम था इनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जातिवाद का विध्वंस। इस किताब को पढ़ने के बाद कांसीराम साहब केवल प्रभावित ही नहीं हुए वरन आंदोलित हो उठे। उस किताब को साहब ने 3 बार पढ़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि ये तीनों हस्तियां मान्यवर कांसीराम जी, मान्यवर डीके खापरले जी और मान्यवर दीना बाना ने मिलकर बामसेब नामक कर्मचारियों के संगठन का गठन किया। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया और बहुजन समाज के निर्माण व उत्थान के कार्य में लग गए। कांसीराम साहब कहते थे कि बाबा साहब की एक किताब पढ़ने से मैं इतना आंदोलित हो गया, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, जैसे नए जीवन का एहसास हो गया। एक किताब पढ़ने से मेरी नस नस में जोम भर गया, जबकि लोग तो बाबा साहब की कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितनी किताबें लिखते हैं, भाषण देते हैं, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कुछ समय तक कांसीराम जी ने महाराष्ट्र में काम किया, पर जब देखा कि महाराष्ट्र के लोगों से उचित शासक नहीं मिल रहा तो वे दिल्ली चले गए। दिल्ली के इर्द गिर्द कांसीराम जी कार्यक्रम लगा रहे थे तो पंजाब के रोपड़ में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तब उनकी माता बिशन कौर ने उनके पिता हरि सिंह को साहब कांसीराम जी से मिलकर उन्हें घर ले आने का आग्रह किया तो पिता हरि सिंह, जो कांसीराम के विचारों को अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। तब उनकी माता ने छोटे बेटे हरबंस को साथ लेकर कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम में हजारों की भीड़ जमा हुई थी और उस भीड़ को संबोधित करते हुए
अपने भाषण के माध्यम से अपनी विचारधारा, मूवमेंट और मिशन को समझा रहे थे। ये सारी बातें सुनकर कार्यक्रम समाप्त होते ही मां बिशन कौर साहब से मिली और गले लगाकर खूब रोई। साहब ने सांत्वना दी। शांत होने पर मां ने कांसीराम से कहा, अपने सामाजिक रिवाज से जब तक बड़े बेटे की शादी नहीं होती तब तक छोटे बेटे की शादी नहीं कर सकते। तुम घर चलो, मैं तुम्हारे सिर पर सेहरा देखना चाहती हूं। तब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मां मुझे सेहरा नहीं, कफन बांधो, क्योंकि मैं मर चुका हूं। मां सुनकर जोर जोर से रोने लगी। तब साहब ने मां को फिर से चुप करवाया और कहा कि मां मेरा व्यक्तिगत घर परिवार नहीं है, ये समस्त बहुजन समाज मेरा परिवार है, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। रही बात मिलने की, तो जहां कार्यक्रम लगाया जाए वहां मिलने आ जाना। ऐसा कहते हुए साहब अगले कार्यक्रम के लिए चल पड़े। साथियों, 5 दिसंबर 1993 को एक पत्रकार वार्ता में साहब से साक्षात्कार में पूछा कि आपकी शादी कब हुई। तब साहब ने जवाब देते हुए कहा, मैंने शादी नहीं की है। और फिर आगे कहा कि जब एक आदमी के जीवन कोई निश्चित मकसद बन जाता है तो उस मिशनरी कार्य में जज्बातों और भावनाओं को तवज्जो नहीं दी जाती। जो हकीकत हमने राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले व बाबा साहब के जीवन में भली भांति देख चुके हैं, और जो लोग भावनाओं में बहकर अपने कदम रोक देते हैं वे जिंदगी में अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। मैंने फैसला किया है कि मुझे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रहना है तो मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। सैकड़ों की संख्या में कैडर कैंप लगाकर साहब ने देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार किया। तत्पश्चात 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में विधिवत वामसेव संगठन का गठन किया और 7 दिसंबर से 10 दिसंबर को पहला वामसेव का सम्मेलन किया। सभी जगहों पर पे बैक टू द सोसाइटी का नारा दिया और समाज के कर्मचारियों को सामाजिक मूवमेंट के लिए चंदा देने पर जोर दिया। बड़े पैमाने पर छोटी छोटी जनसभाएं करके समाज को तैयार किया और संगठन में जुड़े कर्मचारी भी गांव-गांव जाकर लोगों को बाम से यानी बहुजन समाज निर्माण की विचारधारा से जोड़ने लगे थे। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर का नागपुर में भामसेव का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें देश भर के 10,000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में साहब ने कहा, भारतीय लोकशाही कुछ और नहीं बल्कि अमीर लोगों की नोटों द्वारा गरीब लोगों के वोट हथियाना है, ये एक प्रकार की सक्रिय सामंतशाही है। बाद में दूसरा व तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन 1980 में दिल्ली व 1981 में चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें बाम से वॉलंटियर फोर्स अधिवेशन का मुख्य आकर्षण रहा। बाम सेफ के कर्मचारी कार्यकर्ताओं की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 सूत्र दिए, टाइम, ट्रेजर एंड टैलेंट, अर्थात समय, पैसा और विद्वता। क्योंकि कर्मचारी राजनीतिक एवं संघर्षात्मक आंदोलनों में हिस्सा नहीं ले सकते थे लेकिन समाज आंदोलन के लिए तैयार था, तो उन्होंने 6 दिसंबर 1981 को DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक संगठन की स्थापना की और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साहब ने कहा, हम राजनीतिक पार्टियों से टिकट लेने वाला समाज नहीं, टिकट बनाने वाला समाज बनाना है। कांशीराम जी ने समय समय पर असामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जैसे सीरी प्रथा,
जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनुवाद और सीवर एम्प्लॉयज प्रॉब्लम एंड दैट सॉल्यूशन, इस प्रकार की अनेक समस्याओं के बारे में समाज को जागरूक किया और बड़े पैमाने पर प्रचारित भी किया। इसके अलावा ऐसे बहुत से प्रोग्राम चलाए तथा उनके लिए ऐसे शब्द प्रयोग किए जिन्हें सामाजिक प्रचलन में पहली बार सुनने को मिला, जैसे पे बैक टू द सोसाइटी, मंडल आयोग लागू कर लो वरना कुर्सी खाली करो, राजनीतिक गुलामी के विरुद्ध संघर्ष, बहुजनों में भाईचारा बनाओ, पुना पैकेट का धिक्कार, बैलेंसिंग पावर, जाति तोड़ो समाज बनाओ, ब्राह्मणवाद से समझौता नहीं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ, ऐसी अनेक संज्ञाएं दी। अपने अनुगामी बनाने की शोध में उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को अपना अनुगामी बनाया। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, राजकीय आरक्षण की वजह से दलाल और भड़वे पैदा होंगे, उसी तरह साहब कांसीराम जी ने मनुवादी पार्टियों में रहकर समाज को बेचने का काम करते हैं, उन्हें राजनीतिक चमचे कहते थे। साहब कभी नहीं चाहते थे कि उनके जीवन में ठहराव आए। अपनी जिंदगी का लक्ष्य केवल चलना और चलना ही बताते थे। वैसा देखा जाए तो महापुरुषों की विचारधारा पूरे देश में ऐसे ही नहीं पहुंची। मान्यवर कांसीराम साहब कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा तक हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा की, वह किसी भी जगह 24 घंटे से ज्यादा तक नहीं ठहरे। वे कहते थे, ए मेरे पांव के छालों तुम लहू उगलो, ए मेरे पांव के छालों तुम लहू उगलो, जमाना दौड़ने के निशान मांगता है। उनका लक्ष्य केवल राजनीति करना नहीं था, पर वास्तव में अनगिनत टुकड़ों में बटे हुए मूल वासियों का समाज यानी बहुजन समाज का निर्माण करना था। बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज ही मत देगा, बहुजन समाज का निर्माण ही नहीं होगा तो मत कौन देगा। राजनीति उनके जीवन का मात्र एक हिस्सा थी। अंत में साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी महापुरुष की जीवनी को समय सीमा में हम पूर्ण रूप से उजागर नहीं कर पाते, फिर भी मैंने जितना हो सके उनकी जीवनी के बारे में बताने की कोशिश की है। महापुरुषों का जीवन हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को दिशा निर्देशन कर जाते हैं। 9 अक्टूबर 2006 को कांसीराम साहब हमारे बीच में नहीं रहे, बहुजन समाज व बहुजन समाज पार्टी को अनाथ बनाकर चले गए। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। साथियों, भीम की जय में मूल वासी की जय है, मूल निवासी की जय में भारत की जय है, वरना बकवास हिंदुस्तान मुंह फाड़े खड़ा है। नमो बुद्धाय, भवति सब मंगलम।